अच्छा, तो मैं तलीन से अभी हम दरकोट गांव में है। यहाँ पे रोड हेड पे भटजी का मकान है। इनके फादर बहुत ही ओल्ड पारंपरिक कलाकार हैं, वो सारे संगीत के जड़ को जानते हैं। और दरकोट रामलों में काफ़ी परशुराम का संवाद उनके बराबर शायद कोई और खेल पाए। अभी तक वो शायद उस अभिनय को निभाते हैं। नींबू काफ़ी बिग साइज में यहाँ पे है और इससे शायद चूक बनाते होंगे ये लोग। जामिर भी है, मिक्स पेड़ है यहाँ पर। गाय भी है आपके पास? अच्छा, कितने परंचद है? अच्छा, उनकी डॉटर है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? भूमिका। भूमिका, कितने परंचद भूमिका? कहाँ पढ़ते हैं हम? नमजला या विवेकानंद पे? ओके ओके। आजकल तो लॉकडाउन से स्कूल आप जा रहे हैं? ये जामिर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे साइज में है। आप इसका चूक भी बनाते हैं बेटे? अच्छा, आपको भी आता है? आप देखते हैं घर में जो मम्मी लोग काम करते हैं, सीखते हैं, आप भी करते हैं थोड़ा थोड़ा? आपको अच्छा लगता है काम करना? क्या है उसे ख्वाहिश जिंदगी में, क्या करना चाहते हैं आप? टीचर बनना। गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप किसी, आप अपने स्कूल में किस टीचर से इंस्पायर्ड होते हैं? उनकी तरह थोड़ी बहुत घर में आके उनकी मिमिक्री करते हैं या उनकी पढ़ाई हुई को रिविजन करते हैं? मुकेश सर। मुकेश सर, ओके, दैट्स गुड। मुकेश सर का क्या नाम है पूरा? अच्छा, चलिए ठीक। बट ये भी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको पता होना चाहिए। नीचे चले जाएं, आप आ सकते हैं ना साथ में। मैं यहाँ पे अंगोरा फार्म दिखा रहा हूँ। दरकोट गांव सबसे वर्क हैबिटेट में काफ़ी वो गांव है जहाँ पर आप अंगोरा का काम अच्छा देख सकते हैं। तो ये उन मम्मी लोग खुद बनाते हैं, किसी को भेजते हैं बेटे? अच्छा, आप भी बिनाई करते हैं? अच्छा, बट ये भी सीख सकते हैं आप। छोटा छोटा काम है, काम को छोटा नहीं आका जा सकता है, ठीक है? और जैसे हमें लग रहा है कि हम ये काम कर सकते हैं तो प्लीज़ ओपन दिस साइट। आपके पास ब्राउन वाला नहीं है ना? ये आपकी चाची लोग के पास है? हाँ। ये ताऊजी हुई आपके? आपकी नरेंद्र की लड़की हो? जितेंद्र की? नरेंद्र। नरेंद्र की लड़की हो? अरे गुड यार। अच्छा, तुम्हारी बुआ कहाँ है? वो देहरादून। अच्छा अच्छा, ओके। ये देखिए, वाइट फीमेल है, बिल्कुल स्नो वाइट की तरह उनकी ऊन होती है, आप देख सकते हैं। आप कितने महीने में काटते हैं बुबू इस ऊन को? पापा अनुमानित कुछ आइडिया आपको? एक महीने में। नहीं नहीं, आफ्टर 3 मंथ काटते हैं। चलिए ठीक। बट इसको बोलते हैं अंगोरा। अंगोरा नस्ल के 2 जानवर होते हैं ब्रह्मांड में, एक तो बकरी होती है, एक रैबिट ससक खरगोश होता है। थैंक यू, आगे चलते हैं। आइए, यहाँ पर जाड़े के लिए, एनिमल्स के लिए, पालतू के लिए जो है लुट्ठा, घास का लुट्ठा लगाया गया है यहाँ के। इसके बाद जो गाँव पड़ता है तल्ला धुमर, यहाँ के माल्टे बहुत फेमस है क्योंकि मध्य हिमालय की जड़ी में है हम लोग, तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में ये हो जाता है। और तिमूर भी बगल में पेड़ है, तिमूर काफ़ी लगे हैं उसमें। ओह माय गॉड, इस तरह से पहाड़ की जीवन, पहाड़ से लोग के पहाड़ से जीवन है। काफ़ी फलदार पेड़ है, अच्छा चूक बनाएंगे भरजी लोग इसका बाद में। हाँ, आपको दिख रहा है, अभी तक अपने आपको दिखाया था वाइट रैबिट, वाइट अंगोरा रैबिट। ये देखिए डफ यहाँ पे भागता बिल्कुल घर में आके, और बर्ड्स भी यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं। और ये देखिए थोड़े शर्मीले हैं। ओ माय गॉड, इसमें देखिए मॉम और बच्चे और उनके माता भी हैं इसमें। ये कितने महीने के बच्चे हैं? ये देखिए छोटे बच्चे हैं ये, वेरी गुड। ये देखिए ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। इसमें थोड़े बड़े हैं इस केज में। और इस वाले में पियर है, ये देखिए। ओह माय, ब्लैक एंड व्हाइट रैबिट। काफ़ी शर्मीले स्वभाव के होते हैं। कई बार हमारे पास भी थे और तो हम नज़दीक जब हमने रखा था तो इसको लोमड़ी भी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये बिल्कुल पीछे से इनको काट के ले जाता है, जैसे ही नज़दीक पहुंचता और कोई इसको जो है, ये पीछे से आवाज़ भी नहीं करती। इस जानवर की सबसे खासियत यह है कि ये खासियत कही या माइनस पॉइंट के, ये जो है आवाज़ नहीं करती, आवाज़ ही नहीं करती है।